कोर्स ज़्यादा डिले ना हो, इसलिए बैक टू बैक वीडियोस मैं आपके लिए ला रही हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है मुझे सपोर्ट करना। सो प्लीज़ सपोर्ट मी जस्ट बाय लाइकिंग माय वीडियो एंड शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। थैंक यू सो मच। और वीडियो को पूरा देखिएगा और इस बार हम पेपर जरूर क्लियर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के ज़ीरो का मीनिंग है एक ऐसा नंबर जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे। अब ज़ीरो कैसे करेगा, देखिए यहाँ पर एक बेसिक सा मैंने एग्जांपल लिया है, 5x+10 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एक सिंपली अभी मैं ज़ीरो भी नहीं लिखती इसके साथ में, 5x+10 हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो चलिए सबसे पहले आप सोच के मुझे ये बताइए कि ये कैसा पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या है, बाइनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं 2, तो इसीलिए क्या है, बाइनोमियल है। और क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो ये कैसा है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। इसकी डिग्री कितनी हुई, 1। क्लियर? और डिग्री 1 थी तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते थे, लीनियर पॉलिनोमियल। हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ये सब इसकी करेक्टरिस्टिक मैंने आपको बता दी। इट मीन्स मैंने आपको पिछला जो लेक्चर है, पिछली जो क्लास है, उसकी एक रिवीजन भी करवा दी। अब यहाँ पर 5x+10 में मैं x की क्या वैल्यू पुट करूँ कि मुझे आंसर में अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे ज़ीरो मिले। ठीक है, मुझे वो x की वैल्यू चाहिए जिससे मुझे आंसर में ज़ीरो मिले। तो इसको चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दूँगी। 5x इज इक्वल टू, ये जो प्लस का 10 है उस तरफ जाके, मीन्स राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा, अपना साइन बदल लेगा और माइनस का 10 हो जाएगा। क्लियर? x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10/5, दैट इज -2। तो x की वैल्यू -2 आई। तो चलिए हम पुट करके देखते हैं, 5 × x, x की वैल्यू क्या आई, -2+10। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, 5 × 2 क्या हुआ, 10, और माइनस का साइन है इसलिए क्या आ गया, -10। तो -10+10 तो क्या आ गया, 0। तो x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे हमारे, तो ये देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ गई हमारे पॉलिनोमियल की, 0 आ गई। तो x इज इक्वल टू -2, हम इसको क्या कहेंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। कितना इजी और कितना सिंपल था ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इजी एग्जांपल था जिससे आपको समझ आ जाए। आगे जब हमें जीरोस फाइंड आउट करनी पड़ेंगी तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि इसका अपना एक टिपिकल एंड डिफिकल्ट लेवल भी है इस टाइप के क्वेश्चंस का। अभी हम एक सिंपल सिंपल एग्जांपल करेंगे कुछ एक और सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल्स एंड उनकी जीरो। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए और जीरोस को चेक करने के लिए हमें वैल्यू निकालना आना जरूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू 1। जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो हमें क्या करना है, सिंपली जो हमें वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है वो हमें एक्सप्रेशन में पुट करनी है और एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू 1 है, 5 × 1 = -3 × 1+7। क्लियर? तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 5 − 3 = 3+7। 5 − 3 क्या होगा, -2+7। -2+7 = 5। सो दिस इज आवर आंसर।
तो ये हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू वन पे। यहाँ पर क्या आएगा, 5-3 हमारे पास प्लस का 2 आएगा, तो ये प्लस 2 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 9। सो 9 होगा यहाँ पर हमारा आंसर। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि जो -2 and 2 हैं, ये जो दो नंबर दिए हुए हैं, क्या इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं। तो देखिए एक्स प्लस 2, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पहले पुट करेंगे -2, तो ये क्या आ जाएगा, -2 + 2, सो आंसर इज 0। तो यस, -2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास है 2, एक्स इज इक्वल टू 2, तो जब मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करती हूँ मेरे पास आंसर आ जाता है 4, सो आंसर इज नो, 2 इस पॉलिनोमियल की जीरो नहीं है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 1। अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए इस, तो मुझे x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब मुझसे पूछा है फाइंड द जीरो, जीरो मीन्स x की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर मेरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी इसके लिए, 2x + 1 को जीरो के इक्वल पुट कर दूंगी। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए जो प्लस वन था राइट हैंड साइड पर जाकर -1 हो गया, 2 इसके डिवाइड में आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1/2। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूँगी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।